धोनी की इस चाल के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हैदराबाद की टीम। चेन्नई ने हैदराबाद को 78 रनों से चटाई धूल। कप्तान ने खेली तूफानी पारी। 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए धराशायी हुई हैदराबाद। सीएसके ने 78 रनों से जीता मैच। आईपीएल 2024 के 46वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की। एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हुई। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए आई चेन्नई की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 213 रनों का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में हैदराबाद 134 रन पर ऑल आउट हो गई और 78 रनों से इस मुकाबले को हार गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए आई चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने तीसरे ओवर में ही अपने सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का विकेट खो दिया। भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें 9 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सदी हुई बल्लेबाजी कर सीएसके के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस बीच उन्होंने डेरिल मिचेल का भी साथ मिला। दोनों बल्लेबाजों ने जमकर चौके और छक्कों की बौछार की। दूसरे विकेट के लिए 110 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इसी बीच कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी के लिए जयदेव उनादकट को भेजा और उन्होंने 13.3 ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर डेरिल मिचेल का विकेट झटका। वो 32 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी तूफानी पारी जारी रखी और शतक की ओर बढ़े, मगर 19.2 ओवर में टी नटराजन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे, जिसकी वजह से वो 2 रन से अपना शतक चूक गए। अंत में एमएस धोनी ने 5 रन बनाते हुए चेन्नई के स्कोरबोर्ड को 212 तक पहुंचा दिया। शिवम दुबे 20 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद लौटे। जयदेव उनादकट, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 1-1 विकेट लिया। जवाबी पारी में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे। तुषार देशपांडे ने दोनों बल्लेबाजों को प्ले ऑफ ओवर में पवेलियन की राह दिखा दी। ट्रेविस हेड ने 13 रन बनाए और अभिषेक शर्मा केवल 15 रन ही बना पाए। अनमोल प्रीत बिना खाता खोले आउट हो गए। 8.5 ओवर में रविंद्र जडेजा ने नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट निकाल दिया। वो 15 गेंदों में 15 रन बनाने में सफल रहे। इसके कुछ देर बाद एडन मार्करन को भी मतीशा पथिराना ने 5वां झटका दे दिया। निचले क्रम के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए और हैदराबाद 18.5 ओवर में 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। नतीजा उसको 78 रनों से हार का मुंह भी देखना पड़ा। एमएस धोनी भले ही चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ चुके हों, लेकिन टीम के सीनियर और अनुभवी खिलाड़ी होने की वजह से कई बार उन्हें मैच के दौरान फैसले लेते देखा गया है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी उनसे टीम को सलाह लेकर लेते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि शुरुआती ओवरों में तुषार देशपांडे को गेंदबाजी के लिए भेजने के पीछे एमएस धोनी का ही दिमाग था। दरअसल कप्तान का उन्हें पावर प्ले में गेंद थमाने का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और अनमोल प्रीत सिंह का विकेट हासिल कर हैदराबाद को बैकफुट पर ढकेल दिया, जिसके बाद उनके लिए मैच वापसी करना मुमकिन नहीं रहा और 78 रनों से हैदराबाद इस मुकाबले को हार गई। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।